दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। तो दोस्तों इस साल के सिर्फ चार ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, 2023 का समापन है और 2024 के लिए आगाज है। तो बहुत अच्छा है कि आपके पास अभी सिर्फ इस साल के चार ही ट्रेडिंग सेशन हैं। अगले साल की नई उम्मीदें, नए सेक्टर्स, नया विजन, ये सब बहुत जल्दी वीडियो में हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों उससे पहले एक दरख्वास्त है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों और शेयर करें। अभी हम नेक्स्ट वीक के लिए एक छोटा सा आउटलुक ले लेते हैं इस वीडियो में। और एक बात की मैं पहले ही माफी चाहूंगा कि पिछले 2-3 वीडियो से लगातार मैं सिर्फ एक सिंपल वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों के साथ में अपनी बात शेयर कर रहा हूं। मैं डिटेल, फुल डिटेल चार्ट्स के साथ में वीडियो नहीं बना पा रहा हूं टाइम के अभाव के कारण, और वो समय का अभाव अभी थोड़ा बना हुआ है। लेकिन जल्दी ही इस वीकेंड में एक डिटेल अच्छी वीडियो सेक्टर्स के एनालिसिस के साथ, स्टॉक्स के एनालिसिस के साथ, और 2024-25 के लिए क्या दिग्गज स्टॉक्स रहेंगे, किस तरीके से हमें प्लान करना है, मैं पूरा कोशिश करूंगा एक अच्छी वीडियो बनाने की। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। नेक्स्ट वीक के लिए जो आउटलुक है वो वैसा ही है जैसा मेरा लास्ट वीक था, जैसा उससे लास्ट वीक था। ओवर लिवरेज पोजिशन पे प्लीज बच के रहिए, अपनी ट्रेडिंग करिए, बिंदास ट्रेडिंग करिए। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जब भी अपॉर्चुनिटी मिले बाय ऑन डिप करिए। लेकिन बड़ी पोजीशंस जिनमें आप अपनी कैश से ज्यादा पोजीशन बना लेते हैं या बहुत ज्यादा ओवर पोजीशन बना लेते हैं, उनको अब नहीं करना है, क्योंकि अब मार्केट में आने वाले कुछ सत्रों में आपको चंचलता देखने को मिलेगी, वॉलेटिलिटी अब बढ़ेगी। और वॉलेटिलिटी बढ़ने के लिए आप खुद देख सकते हैं इंडिया विक्स का चार्ट, जहां पे वॉलेटिलिटी के संकेत हमें मिल रहे हैं दोस्तों। और लास्ट वीक के जो सपोर्ट थे वो सपोर्ट इस वीक के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है, अगले 2-3 वीक के लिए। जब भी ये लेवल टूटेगा तो थोड़ा सा हमें एक बार प्लान करना पड़ेगा कि क्या पता ये अभी और नीचे जाए बाजार। तो पहला इंपॉर्टेंट लेवल है 20,800। फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द निफ्टी इज 20,800 एंड द सेकेंड एंड वाइड सपोर्ट इज 20,560 को जब ये ब्रेक करेगा बाजार, तब देखेंगे कि महाकाल नीचे के कपाट खोलते हैं या नहीं। उससे पहले हमेशा इंटैक्ट रहेगा ट्रेंड और ऊपर के लिए ही जर्नी रहेगी। हालांकि 20,800 भी अभी तक नहीं तोड़ा, जबकि पिछले वीक में हवा टाइट हो गई थी एक ही दिन के करेक्शन में कि पता नहीं क्या होगा, बट 20,800 के सपोर्ट ने अच्छा काम किया है, वहां तक बाजार आया भी नहीं दोस्तों। तो 20,800 का एक शॉर्ट टर्म वाले जो ट्रेडर हैं, जो बहुत ही ले फटाफट दे फटाफट काम करना चाहते हैं, पर आनन फानन में काम करते हैं, तो वैसा नहीं करना है बस। लेकिन 20,800 के सपोर्ट को ध्यान रखते हुए काम करेंगे आप, क्लियर। उसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है, सपोर्ट इंट्राडे में टूटता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे नहीं आनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप ये चार दिन के ट्रेडिंग सेशंस में काम करें। दूसरी बात दोस्तों वो ये है कि आपको अभी से कुछ अच्छे स्टॉक्स का प्लान करना है। हालांकि नेक्स्ट वीडियो आ ही रही है, 2-4 दिन में हम लोग शेयर करेंगे और उसमें डिटेल में रखेंगे स्टॉक्स की बात, बट जो कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनको मैं बार बार टेलीग्राम व्हाट्सएप पे अपनी स्टडी शेयर करता रहता हूं, उनमें आप अपनी पोजिशंस को हल्का ना करके और बढ़ाने का प्रयास करिए जब कभी भी वो स्टॉक्स आपको अच्छी वैल्यूएशन पे मिले। नाम गिनाना चाहूंगा, जय कॉर्प, RIIL, हिंदुस्तान कॉपर, और क्या बोलू, ज्यादा नहीं, 3 ही स्टॉक बहुत हैं, बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अच्छे अच्छे शानदार मल्टीबैगर शेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो इनमें क्या टारगेट्स हैं, क्या है, आपको टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा। और अभी फिलहाल वैल्यूएशन के हिसाब से इन पे फोकस कीजिए और अपनी ट्रेड कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय महाकाल।